चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस एट ईच ऑफ अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस एट ईच ऑफ अच्छा अदर टू कॉर्नर्स। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज जीरो देन कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर हम बना लेते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर बना दिया हमने, यहां पर हमने कैपिटल क्यू रखा और यहां क्योंकि अपोजिट कॉर्नर्स पे है कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। अच्छा स्मॉल क्यू दूसरे अपोजिट कॉर्नर पे है, इसको प्लस ना करें, क्यू ही कहने दो, कहते हैं स्मॉल क्यू यहां और यहां स्मॉल क्यू। अच्छा ये दोनों सेम चार्जेस हैं, रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, ठीक है करेक्ट है। फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू कितनी होगी? एफ के स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन, अच्छा ये स्क्वायर है तो इसका साइड ए होगा, ये ए कंसिडर कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा? ए रूट टू होगा, ए रूट टू का होल स्क्वायर इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, सही है। अच्छा ये रिपल्शन का फोर्स हो गया। अच्छा ये दोनों एक दूसरे पे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन का फोर्स अगर लगाएंगे तभी तो पॉसिबल है, ये दोनों अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा तभी इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ये होगा और इन दोनों का रिजल्टेंट, तभी ये दोनों बैलेंस कर पाएंगे। आर और एफ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तभी इस चार्ज पे फोर्स जीरो होगा। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी? तो एफ डैश की वैल्यू हम लिख देते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये भी एफ डैश, इस एफ डैश की वैल्यू भी यही होगी, डिस्टेंस तो सेम है चार्ज भी सेम है। तो अब रिजल्टेंट आर की वैल्यू कितनी होगी? तो फॉर्मूला हम जानते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये थीटा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। एफ डैश और इस एफ डैश के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री होगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ये भी एफ डैश है इसका स्क्वायर, ये भी एफ डैश का स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना होगा? टू एफ डैश का स्क्वायर आर स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा अब ये बताओ आर इक्वल टू क्या होगा? एफ डैश रूट टू होगा, करेक्ट है। अच्छा एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी? एफ डैश की वैल्यू हम यहां निकाल लेते हैं, एफ डैश इक्वल टू कितना होना चाहिए? यहां निकाला तो है हमने, क्या निकाला होगा? एफ डैश की वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब ध्यान दो, अगर इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होना है तो एफ और आर का सम जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स, यही तो नेट फोर्स हुआ, एफ और आर का सम जीरो होना चाहिए। एफ की वैल्यू कितनी है वो हमको पता है, ये है। आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू यहां दिया हुआ है एफ डैश रूट टू इक्वल टू जीरो। सो एफ डैश की वैल्यू पुट कर दें यहां से, एफ डैश की वैल्यू यही तो है, सॉरी एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एफ डैश की वैल्यू कितनी है? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है पहले ये देख लो, के कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, जो बच गया वो लिख दो 1 बाई टू प्लस क्यू बाई, अच्छा रूट टू यहां बोलते हैं, ये रूट टू क्यू इंटू रूट टू इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाना चाहिए? इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, ऊपर लिख दू ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर ना लिखू, उधर लिख दे रहा हूं, इधर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जीरो होगी, ये वैल्यू जीरो नहीं, तो क्यू प्लस q by 2 plus q root 2 equal to 0 होगा, तो q by 2 is equal to minus q root 2, ये होगा, 2 को उधर भेज दो, q को इधर भेज दो, capital Q upon small q is equal to minus 2 root 2 होगा, minus 2 root 2, minus 2 root 2, यानी पहला ऑप्शन, देखो, सही है ना, चेक कर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।